बन जा तू मेरी रानी, तन महल दबा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तन महल दबा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। हाय फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वाला मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपना गुड वाइफ का एवोकाडो टोनर। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने फेस पे टोनर। और अब मैं लगाऊंगी अपना फेवरेट विटामिन सी सीरम, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं सीरम लगाऊंगी। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप सीरम स्किप भी कर सकते हैं, और ऑयली स्किन वालों के लिए अलग से भी सीरम आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ा वाटरी वाला सीरम आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लगा रही हूँ ये NYB का प्राइमर। अब प्राइमर जरूर लगाएं फ्रेंड्स, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, जैसी भी हो, चाहे आपकी बिल्कुल क्लीन स्किन हो, बट फिर भी आप प्राइमर जरूर लगाएं। प्राइमर लगाने से आपकी बेस बहुत अच्छी बनती है और आपका फाउंडेशन एकदम स्मूथली लग जाता है, पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और एक अलग ही ग्लो देने लगता है आपके फेस पे आपका फाउंडेशन। फ्रेंड, अब मैं लगाऊंगी ये एले गर्ल का कंसीलर। जहां जहां मेरे डार्क स्पॉट है वहां मैं लगाऊंगी, फिर से लगाऊंगी। फ्रेंड, मैंने ये कंसीलर लगाया है वहां वहां जहां जहां मेरे डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है वहां पे। ये मैंने आपको दिखाया था अभी, एले गर्ल का ये कंसीलर। यहाँ यहाँ मुझे पिगमेंटेशन है, यहाँ ये मुझे पिंपल हो रहे हैं, तो वहां वहां मैं इनको कवर करूंगी। फ्रेंड, अब मैं लगाऊंगी ये MN का फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे सारे फाउंडेशन में से ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये फुल कवरेज देता है। और मैं इसमें थोड़ा सा मिलाऊंगी ये प्योर वाइटनिंग बेस में मिलाने का है, ये प्योर मेकअप बेस वाइटनिंग है, ये ऑयल फ्री है, ये हाइलाइटिंग है पैशन कलर का, ये देख सकते हैं आप। इसमें मैं थोड़ा सा, ये जो एल्यूमिनेटर होता है ना, ये वैसा ही है, वैसा ही है वही मान लो आप। थोड़ा सा मैं इसे अपने फाउंडेशन में मिक्स कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, जरा सा।
फ्रेंड मैंने अपने फ्रेंड अब मैं स्टे कॉफी के कॉम्पैक्ट से अपने फेस को सेट कर लूंगी अपने फाउंडेशन को। फ्रेंड अब मैं इसी पैलेट में से ये वाइट वाला शिमर अपनी सिर्फ आई बॉल पे लगाऊंगी। ये सिर्फ आई बॉल के यहाँ पे देखो आप, सिर्फ ये हल्का सा। अब यही वाला जो वाइट वाला मैंने लगाया ना यहाँ पे, यही मैं ऐसा यहाँ पे अपने ब्रो बोन पे भी लगाऊंगी हल्का सा। अब मैं लगा रही हूँ ये मिस क्लेयर का लाइनर। फ्रेंड मैंने लाइनर लगा लिया है, अब मैं लगा रही हूँ ये NYB का काजल। ये काजल फुल वाटरप्रूफ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड अब मैं लगाऊंगी अपना लोटस का मस्कारा। फ्रेंड मैंने अपना मस्कारा लगा लिया और अब मैं लगाऊंगी ब्लश ये CVB का। हल्का सा अपनी नोज पे भी लगा लूंगी। आप हल्का सा इसी से थोड़ा सा कंट्रोल भी दे सकते हैं यूं करके। फ्रेंड अब मैं लगाऊंगी अपना लिप लाइनर।
मुझे थोड़ा सा डार्क लिप लाइनर लगाने की आदत है, आप चाहें तो लाइट लगा सकते हैं, जिस शेड की आप लिपस्टिक लगा सकते हैं उन लगाते हैं, उसी शेड का आप लिप लाइनर भी लगा सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी ये फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक। फ्रेंड अब मैं लगा रही हूँ ये स्टे कोकी का हाइलाइटर। फिर मैं थोड़ा सा इसको अपने ब्रो बोन पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा कम लग रहा था। तो फ्रेंड ये मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।